नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का विकलांग एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट सीयूटी के माध्यम से एकेडमिक में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, कहने का तात्पर्य है जो छात्र परास्नातक एमएससी एमए हो या एमएससी हो, आप अपने प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको भी पता है सीयूटी की परीक्षा से आपको गुजरना है और वो परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित होती है। तो सीयूटी का फॉर्म आपका आ चुका है, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और इस फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम इस बार आपका मार्च में ही प्रस्तावित हो रहा है, इसलिए आपको जो है विशेष सावधानी बरतनी होगी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। इसके संबंध में पूरा विवरण क्या है, कैसे है, हम आपको पूरा बता रहे हैं और इसको जानकारी करके अपने फॉर्म को समय से फिल करके और इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। कैसे करना है इसमें देखिएगा, लिखा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस 26 दिसंबर 2023, मतलब ये 26 दिसंबर का आपका नोटिस है एनटीए के द्वारा सीयूटी के लिए। लिखा है सब्जेक्ट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी पीजी 2024। इसका मतलब ये जो फॉर्म अभी इन्होंने दिया है जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम का है, ये उसके लिए है। उसमें एग्रीकल्चर के छात्र हों, आर्ट के छात्र हों, जूलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, अन्य किसी भी, क्योंकि भारत में तमाम विषय चलते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या केंद्रीय संस्थानों में यदि आप प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो यह फॉर्म आपको भरना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी। लिखा है एनटीए हैज बीन मैंडेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी टू कंडक्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोनोमस कॉलेजेस। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे या केंद्रीय संस्थान है या कोई ऐसे संस्थान है जो परीक्षा के लिए सीयूटी के को ही जो अधिकृत कर दिए हैं, तो उन सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए आपको इस फॉर्म को भरना होगा और आपको इससे भाग लेना होगा। इसमें इन्होंने देखिए डेट दिया है ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का जो है वो 26 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 तक। इसका मतलब सीयूटी का फॉर्म 26 दिसंबर 2023 से शुरू है और कब तक भरा जाएगा, 24 जनवरी 2023 तक। लगभग आपको 28 दिन का मौका इसमें मिल रहा है, ठीक है, और आप इसको भर सकते हैं। आगे लिखा लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो 25 जनवरी तक। मतलब अगर 24 जनवरी तक तो वो आप जो फॉर्म भरेंगे, यदि आपका पैसा नहीं जमा हो पाया तो आपको एक दिन और उसमें एक्स्ट्रा है कि 25 जनवरी तक आप इसको कर सकते हैं। करेक्शन इन पार्टी पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन दी वेबसाइट ओनली, ठीक है, तो 27 जनवरी तक आप इसमें कोई करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि कोई आप करेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एडवांस सिटी इंटीमेशन, ठीक है, शहरों का जो चुनाव है देखिए वो 4 मार्च तक आपको ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए, 7 मार्च तक आप जो है 7 मार्च को आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड, देखिएगा यहाँ पर हर चीज जो डेट जैसे डिसाइड है वो सारे घटनाएं उसी डेट पर होगी, ये कोई यूपी बिहार का एग्जाम नहीं है कि ये टलेगा, ठीक है, इसलिए इनमें कोई हिला हवाली ना करिएगा, जो काम करना समय से करिएगा, कोई अलग से डेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखिए साफ साफ लिखा 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024। इसका मतलब 11 मार्च से 28 मार्च 2024 के मध्य सीयूटी के अंतर्गत आने वाले सभी सब्जेक्टों के एग्जाम पूर्ण करा लिए जाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
जो एग्जाम का ड्यूरेशन है उसमें एक घंटा 45 मिनट, ठीक है, मतलब 105 मिनट आपको टोटल दिए जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है विल बी अनाउंस लेटर ऑन दी वेबसाइट, मतलब जो परीक्षा का समय होगा कितने बजे, पहली पाली, दूसरी पाली, तृतीय पाली, क्योंकि तीन शिफ्ट में एग्जाम चलते हैं इसके, तो वो आपको आपके एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको जानकारी मिल पाएगी। इनमें से जो छात्र एग्रीकल्चर के हैं सीयूटी के फॉर्म भर रहे हैं, आप सभी लोग अपने फॉर्म को अप्लाई करिएगा, हमारी संस्था क्लब एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा आप सभी को नोट्स, क्लासेस और तमाम जानकारी आप सभी को संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आपको फॉर्म भरने में या इसको कहीं भी ना समझने में आपको जो है समस्या हो गई है, ठीक है, तो आप हमारे संस्था के मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी संस्था आपको जो है इस मामले में आपको पूरी गाइड करेगी। संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप संपर्क कर सकते हैं। संस्था के टेलीग्राम चैनल पर भी आकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए संस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वहां से वो सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप बातें समझ पाएंगे, आगे के लिए हम आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।